और प्रभु का धन्यवाद देते हैं मेरे भाई और बहनों की परमेश्वर ने हमको मौका दिया, और मैं आप लोग जो यहाँ पर बैठे हैं जो ऑनलाइन जो सुनेंगे और देखेंगे बाद में, मैं उनका भी प्रभु में स्वागत करता हूँ। परमेश्वर का अनुग्रह उसकी संपूर्ण शांति आपके हृदय में बसे रहे। और मैं वचन को जो यशाया 26 में यशाया भविष्यवक्ता बोलता है, जो यहोवा पे भरोसा रखते हैं उनको संपूर्ण शांति से क्या करता है, लेकर चलता है। आमेन। तो प्रभु आप सबको आशीष दे। जो मैं अभी जो शेर सिंह की गवाही बता रहा था, ये हम सबकी गवाही है। आमेन। हम सबकी गवाही है। आज अपने घर में अपनी पत्नी, अपने पति, अपने बच्चों को सिखाओ, सिखाओ कि आज हमको कहां खड़ा होना है, कहां खड़ा होना है, कहां बैठना है। आज हम किस बात के लिए व्याकुल है, किस बात के लिए अधीर है, किस बात के लिए, आज किस बात के लिए। आज मैं आपको अपने जीवन की गवाही बताता हूं। हम जब भवन में आते हैं तो हम ऐसे तैयार होकर आते हैं कि हम सब सबसे अच्छे अपने वस्त्र पहने। क्यों? हम अच्छी तरह तैयार हो क्योंकि मैं अपने पिता से मिलने जा रहा हूं। आज अगर मेरे लिए सबसे बड़ा बड़ा मुबारक समय है, अगर मेरे लिए सबसे बड़ा उत्सव और जश्न का समय है, वो परमेश्वर के भवन में जाना है। तो आज अपने जीवन और अपने घर परिवार को इस तरह से तैयार करिए कि परमेश्वर के भवन में आना एक उत्सव का और एक जश्न का समय है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का पवित्र वचन कुरिन्थियों में क्या कहता है, वो हमें किस में लिए फिरता है, जय के उत्सव में लिए फिरता है। आज अगर आपके घर परिवार में कोई कुड़कुड़ा रहा है कि हम यहाँ पर नहीं जा रहे, हमें ये न्योता नहीं मिल रहा है, मेरे भाई और बहनों तुम्हें न्योता मिल चुका है। हालेलुया। तुम्हें सबसे बड़ा न्योता मिल चुका है, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, लिख दिया गया है संसार के कार्ड में, तुम्हारा नाम ना लिखा हो, लोगों के गेस्ट लिस्ट में तुम्हारा नाम ना लिखा हो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया है। और आज प्रभु तुमसे बस ये चाह रहा है, तुम्हारे जीवन से, तुम्हारे जीवन साथी से, तुम्हारे बच्चे से, घराने से, कि तुम प्रभु यीशु मसीह की सदृश उसके चाल चलन में अपने जीवन को व्यतीत करो। आमेन, आमेन। आज मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ मेरे भाई और बहनों। ये जो मैं बातें आपको बताने जा रहा हूं, ये कोई हल्के की नहीं है, ये कोई मतलब हम सोचे कि ऐसी डराने या धमकाने की नहीं है, लेकिन ये आदि से प्रचार की जा रही है, आदि से प्रचार करी जा रही है। और जब भी हम वचन को देखते हैं, वचन को पढ़ने वाले, समझने वाले, जब जब संसार में मनुष्य जीवते परमेश्वर से दूर हुए हैं, तो क्या आया है, कष्ट, कलेश, महामारी, युद्ध, सताव, बंधुआई। लेकिन जिस मनुष्य को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया, वह ऐसी दूर नहीं होता है, ऐसी दूर नहीं होता है। वो कैसे दूर होता है, भेलिए के जाल में फंसने से। ध्यान से सुने, भेलिए के जाल में फंसने से, अभिलाषाओं, लालसाओं में आने से, संसार के सदृश्य बनने से। आज प्रभु हमको सिखा रहा है, चिता रहा है, समझा रहा है, जिसके कान है वो सुन ले, वो होश में आए। आज एक बहुत बड़ा संकट का समय इस पृथ्वी से होकर गुजर रहा है, और ये संकट बढ़ता चला जाएगा, जो घर को, परिवार को तोड़ेगा, घर के लोगों को एक दूसरे के विरोध करेगा, समाज को तितर बितर करेगा। एक अनार्की आने जा रही है, लड़ाई झगड़े होने जा रहे हैं, कमी घटी की वजह से वाद विवाद, तू तू मैं मैं, छीना झपटी, ये सब चीजें बढ़ने जा रही है। आज होश में आइए, होश में आइए, मेरे साथ जल्दी से निकालिए एक वचन, मैं पढ़ता हूं जो प्रभु इन दिनों में मुझे दे रहा है। उसके बाद हमारी बेटी है, उसको प्रभु ने एक वचन दिया और उसने कहा मुझे, आप प्रभु के दास है, इस वचन को आज ही दीजिए, क्योंकि आज ही का दिन क्या है, उद्धार का, क्योंकि वो संकट बड़ी तेजी से आ रहा है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, बहुत से बच्चे, जिस संडे, पिछले संडे मैंने ये वचन दिया था कि एक संकट और कलेश आ रहा है, लेकिन तुम कौन हो, अपने औहदे को पहचानो, तुम राज पदाधिकारी हो, याजकों का समाज हो, तुम खड़े होगे, यीशु से प्रार्थना करोगे तो गढ़ ढहेंगे, दुष्टात्माएं भागेंगी। आमेन। आज किसी में इतना बल नहीं है, किसी में इतनी शक्ति नहीं है जो तुम्हारे
घर से किसी का अहेयर कर ले, लेकिन आज प्रभु तुमको वार्निंग दे रहा, आज प्रभु तुमको वार्निंग दे रहा। जल्दी से मेरे साथ निकाले यशाया, उसका 24, उसकी पहली आयत यशाया 843 पेज नंबर 843, यशाया 24 उसका 1। सुनो, यहोवा पृथ्वी को निर्जन और सुनसान करने पर है, वह उसको उलटकर उसके रहने वालों को तीतर बितर करेगा। तीसरी आयत, पृथ्वी शून्य और उजाड़ हो जाएगी क्योंकि यहोवा ही ने ये कहा है। पृथ्वी विलाप करेगी और मुरझाएगी, जगत कुमलाएगा और मुरझा जाएगा, पृथ्वी के महान लोग भी कुमला जाएंगे। पृथ्वी अपने रहने वालों के कारण क्यों होगा ये? क्योंकि पृथ्वी अपने, ध्यान से सुनो, ये सब क्यों होगा? पृथ्वी अपने रहने वालों के कारण क्या हो गई है? अशुद्ध हो गई है। संसार, मनुष्य, स्वार्थ, लोभ, लालच, घमंड, डील मारना, झूठ, फरेब, इन सब का क्या हो गया है? इन सब को अपने जीवन में लेकर चल रहा है। जब बाढ़ आई तो सिर्फ उसने अपने खेत के लिए प्रार्थना नहीं करी। किसके लिए प्रार्थना करी? उसने सबके लिए प्रार्थना करी। कौन है जो सिर्फ अपने को बचाने के लिए नहीं, दूसरों को बचाने के लिए अपने जीवन को दे रहा है? परमेश्वर का राज्य कुरिन्थियों में पौलुस क्या कहता है? खाना पीना नहीं है, नाच गाना नहीं है, सजना सवरना नहीं है। कौन है जो अपने को दीन और नमन कर रहा है? हमें गीत गाते ना, मैं सज रहा हूं सवर रहा हूं, किसके लिए? अपने प्रभु के लिए। कौन है अपने हृदय को तैयार कर रहा है? कौन है अपने मन को तैयार कर रहा है? कौन है जो आने वाली महिमा की बात छोड़ रहा है? इस विपत्ति के समय में भी धन्यवाद और आशा का जीवन रखा हुआ है। कौन है? परमेश्वर देखो उसके साथ क्या करने जा रहा है। 26 आयत, 26 अध्याय, यशाया का 26 अध्याय उसकी तीसरी आयत, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, जिसका मन हालेलुया। आज प्रभु स्वर्ग से देख रहा है। देखो विश्वासी वो नहीं है, बाइबल पढ़ना जरूरी है, प्रार्थना करना जरूरी है, संगति में आना जरूरी है, क्योंकि जब तुम बाइबल पढ़ोगे, जब तुम प्रार्थना करोगे, जब तुम संगति में आओगे, तभी तुम्हारी गवाही पक्की होगी और तुम गवाह बनोगे। हालेलुया, तुम्हें गवाही देने का हियाव आएगा। आज तक हम बता नहीं पाए, आज तक हम लोगों को बता नहीं पाए, हम डरते हैं, हम घबराते हैं। अरे ये तो मेरा बचपन का दोस्त है, अरे ये तो मेरे रिश्तेदार है, ये तो मेरी सगी मौसी है, ये मेरा मामा है, अरे इसने मेरे बच्चों को पाला, मेरे भाई ने, आज मेरी बहन ने मेरी सेवा करी, अरे इन्होंने मेरे को जरूरत के समय घर बनाने के लिए पैसे दिए, इन्होंने ये करा वो करा ऐसा करा। हमारे पास बहुत सी बातें हैं, ध्यान से सुनो, हमारे पास बहुत सी बातें हैं, इसलिए हम उनका साथ नहीं छोड़ सकते। लेकिन प्रभु कह रहा है, कौन है जो मेरे लिए छोड़ने के लिए तैयार है? कौन है? आज उन्होंने नहीं करा, उन्होंने नहीं करा। किसी मनुष्य को महिमा मत दो। बाइबल में लिखा, व्यवस्था विवरण में, निर्गमन में लिखा है, जीवता परमेश्वर भस्म करने वाली आग है और वो अपनी महिमा अपना आदर किसी से नहीं बांटता है। होश में आओ कलीसिया, जो आज तक माताएं अपने मायके को, अपने परिवार को, जो पिता अपने भाई अपने बाप को आदर दे रहे हैं, वो होश में आओ। आज तुम्हारा पालने वाला तुम्हारा मां बाप नहीं है, ध्यान से सुनो, तुम्हारे संभालने वाला तुम्हारे भाई बहन नहीं है, तुम्हारे रिश्तेदार नहीं है, एक ही है, वो सेनाओं का यहोवा है। उसको आदर दो, उससे बढ़कर किसी और को आदर मत दो, किसी के रीति रिवाज को, रस्मों को आदर मत दो। होश में आओ, क्या जीवन जी रहे हो? क्योंकि एक बहुत बड़ा भयानक समय आने जा रहा है। अगर भी आप
इन बातों को सुनकर हम सुना करोगे, क्योंकि पृथ्वी अशुद्ध कामों की वजह से क्या हो गई है, क्या हो गई है, दंड के लिए तैयार हो गई है। मेरे भाई और बहनों, ये मत सोचना अरे वो दंड तो आएगा तब देखी जाएगी। दंड आ चुका है, दंड आ चुका है। बच्चे माता पिता के आज्ञाकारी नहीं हो रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं। अच्छी बातें, भली बातें, जीवन की बातें अब तुम किसी को सुना नहीं सकते। जीवन बनाने की बातें अगर तुम बोलो किसी को, नशा मत कर, वो नहीं सुनेगा। व्यभिचार मत कर, नहीं सुनेगा। मैं किसी को एक अभी बोल रहा था, भाई तू व्यर्थ में क्यों बाहर घूमता है, क्यों मोटरसाइकिल उठा के घूमता रहता है, तेरे को शोभा देता है, अब तू कौन है? आप किसी स्त्री को नहीं बोल सकते, आप किसी बहन को नहीं बोल सकते अरे क्यों घूम रही है, भाई को नहीं बोल सकते क्यों, अरे काम है, काम है, क्या काम है, काम नहीं। आज जो परमेश्वर ने तुम्हें घर दिया है, तुम्हें पता है कौन दौड़ाए फिरता तुम्हें, तुम्हें शैतान दौड़ाए फिरता, क्योंकि उस घर में बैठकर तुम प्रार्थना नहीं करना चाह रहे। शैतान नहीं चाहता जो तुम्हें खाली समय है तुम बैठकर प्रार्थना करो, और जानते हो प्रार्थना करने से क्या होता है, गढ़ गिरते हैं, दुष्टात्माएं भागती है। और शैतान नहीं चाहता जो बाप दादाओं से चले हुए तुम्हारे घर के गढ़ है, जो बुत परस्ती है, जो तुम रिश्तेदारों की पूजा करते हो उनको आदर देते हो, इसको बुत परस्ती बोलते हैं। और सबसे बड़ा पाप परमेश्वर की नजरों में क्या है जानते हो, सबसे बड़ा पाप परमेश्वर की नजरों में क्या है, परमेश्वर किससे घृणा करता है, तुमने बुत बना रखे अपने घर अपने परिवार में, और वो बुत तुम्हारी आदत हो सकती है, तुम्हारा रिश्ता हो सकता है, तुम्हारी लत हो सकती है, मेरा मी टाइम। शैतान ने आजकल एक बहुत बड़ा चाल दे दी है, वो माताओं के दिमाग में भी, पिताओं के दिमाग में भी, बच्चों के भी दिमाग में, जवानों के दिमाग में तो शुरू से थी, मी टाइम, मेरा एक समय, मेरा समय मार्केट में भटकना। और फिर वही लोग संडे को आके गीत गा रहे हैं, मेरा खोना भटकना हुआ दूर जब से मैंने यीशु को पाया है। जो गीत के बोल है उससे विपरीत जीवन है। आज मैं अपने जीवन की गवाही बता रहा हूं, परमेश्वर ने दो दो गाड़ियां दे रखी है, लेकिन मुझे कोई काम नहीं होता तो कहीं नहीं निकलता, सारा दिन गाड़ियां गैराज में खड़ी रहती है। और मैं किस में बैठा रहता हूं, प्रभु के चरणों में बैठा रहता हूं, या तो प्रार्थना करता रहता हूं या किसी को वचन की शिक्षा देता रहता हूं। आज परमेश्वर ने ठहराव दिया है। मेरे बच्चों शांत के उठाया स्कूटर, उठाई एक्टिवा, भाग गए घूमने के लिए, देखकर आए उसके पास कौन से कपड़े आए, देखकर आए आज बाजार में क्या हो रहा है, अरे अपने घर को देख तेरे घर में क्या हो रहा है। आज शैतान मुझे भटका के ले जा रहा है, होश में आओ। औरतों को सुनना पसंद नहीं है, वो बोलेंगे यार पास्टर तो औरतों को घर में बंद करके रखना चाहिए। मैं सिर्फ औरतों को नहीं, आदमियों को भी कह रहा हूं, करो घर के काम, घर के काम करो, लेकिन तुम्हारी असली लड़ाई तुम्हारे गढ़ में, असली लड़ाई तुम्हारे गढ़ में है। अपने गढ़ को प्रभु के हाथों में सौंपो। आज मेरे भाई और बहनों, ऐसे बदलाव नहीं आएगा, ऐसे हालेलुया स्तुति आराधना करने से नहीं आएगा, ऐसे जीवन नहीं बदलेगा, वो बाप दादाओं की परतें ऐसे खत्म नहीं होंगी, उसके लिए घुटनों पे बैठना पड़ेगा। बाइबल में क्या लिखा है, यद्यपि हम शरीर में चलते हैं लेकिन हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, लेकिन गढ़ों को ढाने के लिए क्या है, गढ़ जानते हो क्या है, गढ़ क्या, घर, घर क्या, तो दुष्टात्माओं ने तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे घर में, तुम्हारे हृदय में बहुत सालों से बना रखा है। लगाओ, ध्यान से सुनो, लगाओ है ना, लगाओ, किसी से भी लगाओ, ये गढ़ है, लगाओ, लगाओ है मुझे मेरे मित्र से। घृणा, नफरत, दुख, हताशा, निराशा, पीड़ा, ये क्या है, ये गढ़ है, ये गढ़ है। और उन गढ़ों की वजह से हम क्या कर रहे हैं, चलाए चल रहे हैं। हर घर का
हर घर का एक नियम होता है या नहीं होता है, और उस नियम से घर के सारे लोग चलते हैं। हर घर के एक संस्कार होते हैं, है ना, हर एक घर की रीति होती है, एक रिवाज होता है या नहीं। जब हम समाज में रहते हैं हम देखते हैं नहीं है, हमको पता चल जाता है भाई ये पंजाबी का घर है, है ना, ये बनिए का घर है, ये फलाने का घर है, ये फलाने का घर है। कैसे पता चलता है ये मुसलमान का, ये सिख का है? क्योंकि हर घर के एक रीति रिवाज और रस्म होते हैं, और पीढ़ी दर पीढ़ी उन रीति रिवाज रस्मों से उन घर के लोग परंपराओं से चले आ रहे हैं। सही कह रहा हूं? लेकिन हमारा गढ़ कौन है? Who is our stronghold? हम बड़ी तेजी से गाते हैं भजन संहिता 91, जब धर्मी जन पे विपत्ति आती है, He runs towards the tower. वो गढ़ की ओर दौड़ा चला जाता है। और मेरा गढ़ कौन है? सिर्फ यहोवा। लेकिन गढ़ सिर्फ मुसीबत में है, यही हमने सुना हुआ है। इसी में ताली बजाते हैं, बच्चों को झुमाते हैं, पादरी भी नाच रहे, लीडर भी नाच रहे, उनकी पत्नियां भी नाच रही। मैं अपने को कह रहा हूं, पादरी तो मैं ही हूं ना, नाच रहे हम। लेकिन क्या सिर्फ विपत्ति के समय? नहीं, वो मेरा गढ़, मेरा शरण स्थान हर पल हर समय है। मैं विपत्ति आने की इंतजार नहीं करता, लेकिन उसके पास उसके चरणों में बैठकर विपत्ति का सामना करने जाता हूं। मेरे बच्चों समझो, अरे क्यों क्यों संसार में समय व्यतीत कर रहे हो? क्यों? अच्छा हुआ मेरे को ये नहीं आया, अच्छा हुआ मेरा ये दोस्त मुझसे अलग हो रहा है, अच्छा ये मेरा परिवार मामा का कौन है? बाबे में लिखा है, जो मेरे लिए छोड़ेगा वो क्या पाएगा? वो ही पाएगा जो छोड़ने के। हमें अभी तक मिला क्यों नहीं? सुन रहा है भाई? सुन रहा है? पुरानी मशकों में नई दाग रख, दाग क्या बोलते हैं उसको, दाग रख, न्यू वाइन कैन वी कीप दैट? कपड़ा खरीदोगे क्रिसमस सारे नए कपड़े खरीदेंगे ना? सारे खरीदेंगे, उसमें वो कोई फटे हुए कपड़े का टुकड़ा लगाओगे? क्यों नहीं लगाओगे? पुराना का नए से कोई मेल नहीं है, समझ रहे? ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं बच जाओगे, ऐसे नहीं बच जाओगे। होश में आओ चर्च, परमेश्वर बहुत बड़ा काम करने जा रहा है तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए परमेश्वर बहुत बड़ा काम करने जा रहा है, और तुम्हारे द्वारा। हालेलुया, बोलो हालेलुया। प्रभु हमारे लिए, जोर की बोलो, प्रभु हमारे लिए, हमारे द्वारा बहुत बड़ा काम करने जा रहा है। लेकिन हमारा भरोसा यहोवा पर है, धीरज से यहोवा की दीवी शांति जीवन व्यतीत करते हैं। शांति कलेशों में नहीं, सबसे बड़ी यीशु की शांति पता है किसमें है? जानते हो? अभी मुझे कोई, अरे कोई काम नहीं बन पा रहा, कोई काम नहीं बन पा रहा, स्ट्रेस हो रहा है, स्ट्रेस हो जाता है ना, कोई काम नहीं बनता तो क्या हो जाता है भाई? टेंशन हो जाती है, नहीं मिल रहा टेंशन हो रही है, पैसा नहीं आ रहा टेंशन हो रही है, फाइल आगे नहीं बढ़ रही, एडमिशन नहीं हो रहा, जब जीवन के काम नहीं हो रहे तो क्या हो रही है? यहां पर प्रभु तुम्हें धीरज दे रहा है, धीरज दे रहा है, धीरज दे रहा है, रुक जा, ठहर जा, ठहर जा, काम नहीं बन रहा कोई बात नहीं, मेरी शांति ले। और यीशु की शांति क्या लेकर आती है जानते हो? यीशु की शांति क्या लेकर आती है? विश्वास, आनंद, आशा। हालेलुया, समझो इस बात को। आज पृथ्वी हिलाने पर है, हिलाने पर है, होश में आओ। जो इधर उधर भाग रहे हो ना, इधर उधर दौड़ रहे हो ना, बड़ी आसानी से
काम करो, जो जिम्मेवारी है करो, लेकिन आज हर कोई अपने मनों को जांचे, हर कोई अपने मनों को जांचे, कौन है जो समय व्यर्थ में गवा रहा है। बाइबल में लिखा ना इफिसियों में, मेरे बुद्धियों के नाई नहीं लेकिन बुद्धिमानों के नाई क्या करो, समय को व्यतीत करो, क्योंकि समय क्या है, बुरा है। मेरे भाई और बहनों, यह आदि से प्रचार किया जा रहा है, आदि से। कई लोग बोलते हैं अरे ये तो प्रचार किया जा रहा है, यीशु कब आएगा, यीशु कब आएगा। बहुत से लोग हैं अरे जब आएगा ना, अभी कोई बात नहीं, मुझे अपना जीवन जीने दो, अभी मुझे दोस्तों के साथ समय व्यतीत कर रहे हो, अभी मुझे अन्य जातियों के साथ इधर उधर जाने दो, अभी करने दो मुझे, अभी ये मेरा समय है, अभी मैं इधर घूमाऊं उधर चले जाऊं। लेकिन आज ही अगर यीशु आ जाए, आज ही मेरे भाई और बहनों, कोई नहीं जानता यीशु कब आएगा, लेकिन यीशु क्या कहता है, ऐसे तैयार रहो जैसे मैं आज आने वाला हूं। और क्यों तैयार रहना है हमको, क्यों तैयार रहना है। कई लोग बोलते हैं अरे हम क्यों तैयार रहे, भाई ये बड़ा परमेश्वर ने जिम्मेवारी हमको सौंप के चले गए, नहीं चाहते कि तुम्हारा घर घराना, जिनके साथ तुम उठे बैठे हो, तुम्हारे दोस्त जिनको तुम अपने प्रिय मित्र कहते हो, वो प्रभु में बचाए जाए, नहीं चाहते। और कैसे बचाए जाएंगे, तुम्हारे जीवन की गवाही के द्वारा, तुम्हारे को नमूना देखकर वो पूछेंगे कि कौन है, किसकी आराधना करते हो, भैया तुम झूठ नहीं बोलते, अब इधर उधर टूटते नहीं हो, अरे तुम्हारा जीवन दिखावटी नहीं रह गया, और तुम डर की बात नहीं करते, अरे तुम चिंता ही नहीं करते, बच्चों का भविष्य की चिंता नहीं है तुम्हें, अरे तुम्हें अपने जीवन की चिंता नहीं है, निराशा नहीं है, हमने तुम्हारे जीवन से कोई भी हम नेगेटिव बात नहीं सुन रहे हैं, कितनी अद्भुत बात है, और ये कौन कर सकता है, सिर्फ यीशु के लोग कर सकते हैं। अभी मैं बच्चों को बता रहा था, मेरी लड़ाई तुम्हारे से ये नहीं है कि तुम अन्य जातियों को दोस्त ना बनाओ, बनाओ, लेकिन उनके प्रभाव में आने के लिए नहीं, बनाओ तो सुसमाचार सुनाने के लिए, फर्क है ये होना चाहिए। सुन रही है मैं भाई, सो तो नहीं रहा कोई, हाथ खड़ा करो, सारे जाग रहे हैं नहीं, क्योंकि प्रभु भेड़ों से बकरियों का अलग कर रहा है। बोलो हम बकरियां नहीं है, हम भेड़ है। आमेन। क्योंकि हम उसके वचनों को सुनते और मानते हैं। संसार के पास क्या है, नेगेटिविटी, नेगेटिविटी को जानते हो, निराशा की बातें, दुख की बातें, कमी घटी की बातें, चाहे कितना धनी क्यों ना हो, बिना यीशु के वो दुखी है, बेबस है, उसके पास कोई आशा नहीं है। कितना धनी व्यक्ति क्यों ना हो, कितना बड़ा ऊंचे पद का या डिग्री पाया हुआ इंसान क्यों ना हो, उसके पास अपने जीवन, अपने घर, अपने परिवार, अपने बच्चों के लेकर उसके पास भविष्य की कोई आशा नहीं है, लेकिन हमारे पास है। और आज मेरे भाई और बहनों, मैं तुमको इसलिए मना करता हूं, अगर तुम यीशु मसीह में सामर्थी हो तभी मित्र बनाओ, लेकिन अगर तुम प्रभाव में आ जाते हो, निराशा की बातें सुनकर निराश हो जाते हो, संसार की बातें सुनकर संसारी हो जाते हो, शरीर की बातें सुनकर शरीर में चलने लग जाते हो, गलत आदतों लतों में इधर उधर घूमना फिरना, तुम्हारा बाइबल पढ़ने से, प्रार्थना करने से, संगति में आने से, संगति में शरीर में नहीं, ध्यान से सुनो, संगति से शरीर में नहीं, संगति में पूरी देह प्राण आत्मा में आना, वचन को ग्रहण करना, मानना, चलना, वो बात। अगर तुम्हारा नहीं मन लग रहा है तो इसका मतलब तुम्हारा प्रभाव कहां पर है, संसार, कहां प्रभाव है तुम्हारा, तुम्हें संसार की, अन्य जाति, मित्रों, रिश्तेदारों की बातें क्या करने लग रही है, प्रभावित कर रही है, वो तुम्हारे चित्त में, तुम्हारे मस्तिष्क में, तुम्हारे देह में, तुम्हारे प्राण में रच बस गई है। प्रभु का दास कह रहा है, वचन में जब गवाहियां आ रही है, बेटी ने अभी बोला कि भैया प्रार्थना करो कलीसिया के, बड़ी टूट कर आई वेदना से कि बोलो भजन संहिता 140 कलीसिया के ऊपर कि अपने लिए रक्षा के लिए प्रार्थना करे। कौन उसको बता रहा है, आत्मा बता रही है, मेरा भाई है उसने बोला, बहने ये बोल रही है, अगर कलीसिया में
से जीवन व्यतीत करे। परमेश्वर तुम्हें आने वाले संकट से ना केवल बचा के रखेगा, सुरक्षा देगा, लेकिन उस संकट के समय में, उस कलेश के समय में तुम्हें समृद्ध करने जा रहा है। प्रार्थना नहीं कर रही है, कोई बात नहीं उसको जाने दो, नहीं, होश में आए वो पति जो दूसरों को तो जाके सुसमाचार सुना रहे हैं लेकिन अपनी पत्नी को सुधार नहीं पा रहे। ये प्रभु की दासी है, प्रार्थना करती है, वचन पढ़ती है, लेकिन उससे पूछो, हर रोज इससे मैं पूछता हूं, वचन क्या पढ़ा, क्या प्रार्थना हुई तेरी, क्या बच्चों को सिखाया, पूछो यहां पर बैठिए। आज हम प्रभु के पास आए और बोले, प्रभु मैं और मेरा घराना तेरी आराधना करेंगे। हालेलुया। मैं और मेरा घराना किसकी आराधना करेंगे, तेरी आराधना। आज संसार तुम्हें देख नहीं पाए, ये लोग अलग हैं और तुम अकेले नहीं हो। संसार में जो यीशु के पीछे चले गए उनका मजाक उड़ाया गया, चाहे वो नूह क्यों ना हो, चाहे वो अब्राहम क्यों ना हो। हालेलुया। चाहे वो इसहाक क्यों ना हो, चाहे एलिया क्यों ना हो। आज मेरे भाई और बहनों, तुम एक अच्छे कंपनी में हो। आज प्रभु तुमको सचेत कर रहा है। जो आज बेटी ने भजन संहिता दिया, मैं जल्दी से आपके सामने पढ़ता हूं, भजन संहिता 140। और अपने घर के लिए मांगे, प्रार्थना करे, सुरक्षा ऐसी आ जाएगी, नहीं आएगी। देखो संसार क्या कर रहा है, ध्यान से सुन मेरे भाई, तेरे पत्नी बच्चों को अहेर करने के लिए देखो संसार क्या कर रहा है। ध्यान से सुन मेरी बहन, तेरे पति तेरे बच्चों को अहेर करने के लिए संसार तैयार है। 30 भजन संहिता 140 उसकी चौथी अध्याय। हे यहोवा मुझे दुष्ट के हाथों से बचा ले, हे यहोवा मुझे दुष्ट के हाथों से बचा ले। क्यों ये दाऊद प्रार्थना कर रहा है, क्योंकि जानता है दुष्ट योजनाएं बना रहा है कैसे उसके घर की संपत्ति को पकड़ ले, कैसे उसके बच्चों को पकड़ ले, कैसे उसकी पत्नी को, उसको कैसे पति को पकड़ ले। कौन है जो ये प्रार्थना कर रहा है कि यीशु हम तेरे हाथ के करीब पाए जाए। जो भजन संहिता 16 में लिखा, मिक्ताम, मिक्ताम क्या कहता है भजन संहिता 16, उसके दाहिने हाथ उसके निकट क्या है, जब हम उसके पास रहते हैं तो मेरा जीवन क्या है, मन महावने स्थान पर है। हालेलुया। डोरी क्या है, डोरी क्या है, मेरे जीवन की यात्रा, और मेरी यात्रा कहां पर है, मन भावने। तो आज कौन है जो प्रार्थना करता है होश में आके, अपने इधर उधर की प्रार्थना मत करो, शहर के लिए प्रार्थना मत करो, अरे जब तुम अपने घर के लिए प्रार्थना करोगे, अपने घर को शिक्षा दोगे, अपने अपने शहर में बेदारी आ जाएगी। प्रभु बचा, बचा मेरे पति को, अगर अभी भी वो समझौते कर रहा है, अगर अभी भी वो संसारिक मित्रों की युक्तियों पर आ जाता है। बचा मेरी पत्नी को, अगर उसका मन अभी भी लगा हुआ है इधर उधर की बातों में। प्रार्थना का जीवन नहीं है। Who can be honest towards God? कौन है जो परमेश्वर के समीप सच्चा रहेगा? कौन है जो अपने पापों को ढापेगा? देखो वो कौन है जो अपने पापों को ढापता है। भजन संहिता 140 का तीसरा, वो कौन है? उनका बोलना सांप का सा काटना है, उनके मुंह में नाग का सा विष रहता है। सांप का काटना क्या जानते हो? झूठ से किसी को लाभ मिला है? लोग सोचते हैं झूठ बोल के कमा लेंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता कि वो झूठ बोल के कुछ कमाएंगे तो उसका श्राप किस पर आएगा? उनके बच्चों पर, उनके संतानों पर। क्यों? झूठ का पिता कौन है? अगर तुम झूठ बोल रहे हो, नहीं नहीं मेरे घर के लिए जरूरत नहीं है, तुम में से बहन कोई बोले मेरे पति को जरूरत नहीं है, भाई बोले मेरी पत्नी को जरूरत नहीं है, मेरे बच्चों को जरूरत नहीं है,
मैं जाऊंगा इधर उधर प्रचार, नहीं उनका झूठ बोलना किसके समान है। क्या लिखा है बजट संहिता बोलने वाला क्या कह रहा है? सांप का काटना। वो किसके लिए, किसके लिए जहर कमा रहे हैं? अपने शब्दों से छुपा कर, झूठ बोलकर, अपने घर परिवार के और इवन अपने बारे में भी। सबसे पहले उद्धार कहां आएगा? आज अपने मनों को जांचो, कमजोरी कहां है, कौन सी बातें हैं जिनको हम सुनना नहीं चाहते, कौन सा वचन है जो हम मानना नहीं चाहते। मेरे बच्चों, परमेश्वर जहर नहीं देता जीवन में, जहर हम अपने आप अपने लिए कमा लेते हैं जब हम परमेश्वर के सामने सच्चे नहीं होते। अगर आज मैं बोलूं, अगर मेरी धर्मपत्नी, मेरे जीवन साथी के अंदर कोई कमजोरी है, अगर मेरे बच्चों के अंदर कमजोरी है, अगर ना मैं मानूं, तो मैं उनके लिए क्या कमा रहा हूं? जहर कमा रहा हूं, विष कमा रहा हूं। नहीं, ये तो बिल्कुल ठीक है, मेरे बच्चे बिल्कुल सही है, नहीं उनके अंदर कोई घमंड नहीं है, कोई जिद नहीं है, कोई ढिठाई नहीं है, नहीं वो प्रभु के वचन के अनुसार जीवन व्यतीत कर रहे हैं। नहीं, मेरी मां, मेरा बाप, उनको मत बोलो, दुनिया ने उनको बहुत थपेड़े दिए, बड़े दुख दिए, अब तुम अपने पादरी साहब, अपने वचनों से उनको दुख मत पहुंचाओ, अब जीने दो उनको, अब तो उनको आराम मिला है। अरे आज अगर तेरी मां ने दुख उठाया, तेरे बाप ने दुख उठाया, इसमें क्या परमेश्वर का कसूर है? उसके वचन का कसूर है? किसका कसूर है जानते हो? समर्पण का, समर्पण का। ध्यान से सुनो, किसका कसूर है? कलीसिया होश में आओ, ध्यान से सुनो, आज समर्पण का। अगर मैं दुख उठा रहा हूं, अगर मैं तकलीफ उठा रहा हूं, मैं किसी मनुष्य की वजह से नहीं, संसार की वजह से नहीं, हालातों परिस्थितियों की वजह से नहीं। हम एक तरफ बोलते हैं मेरा परमेश्वर अकाल के दिनों में भी धर्मी जन को चिकने पदार्थों से तृप्त करता है, वो अपनी महिमा के धन के अनुसार मुझे किसी कमी घटी में रहने नहीं देता। हम एक बार बोलते हैं मेरा महान परमेश्वर मुझे किसी ऐसे संकट में नहीं पड़ने देगा जो मेरे सहने से बाहर है। हम बोलते हैं मैं तो पवित्र आत्मा के चलाए चलता हूं, और वचन कहता है जो पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं उनका विरोधी कोई नहीं है। अरे तो फिर संसार, समाज, रिश्ते, परिस्थिति, हालात कैसे विरोधी हो गए? कैसे विरोधी हो गए तुम्हारे घर के? कैसे विरोधी हो गए तुम्हारे रिश्तों के? कैसे विरोधी हो गए? कभी बैठ कर सोचा है कैसे घर के हालात क्यों नहीं बदल पा रहे हैं? क्यों नहीं हमारे घर की, परिवार की स्थिति बदल पा रही है? मेरे बच्चों, कभी सोचा है क्या परमेश्वर का हाथ छोटा पड़ गया है? क्या परमेश्वर का हाथ छोटा है? नहीं, हम परमेश्वर के हाथ को कार्य नहीं करने दे रहे, हम परमेश्वर के हाथ को कार्य नहीं करने दे रहे हैं। और जानते हो परमेश्वर का हाथ सबसे पहले क्या कार्य करता है? क्या कार्य करता है? हमें दीनता और नम्रता से, ध्यान से सुनो, हमें दिखाता है कि हमारे पाप क्या है, हमारी गलतियां, हमारी कमजोरियां, हमारे घर परिवार के कड़ क्या है, और परमेश्वर का हाथ, छिदा हुआ हाथ हमें शुद्ध करना चाहता है। और हम शुद्ध नहीं होना चाहते, मेरा बाप शुद्ध नहीं होना चाहता था, मेरी मां शुद्ध नहीं होना चाहती थी, वो अपनी धार्मिकता लेकर चल रही थी, इसलिए विपत्तियों ने घेरे रहा, बेरोजगारी, गरीबी, लाचारी, बेजिसी, तंगी, संकट, कलेश, क्योंकि मैंने समझौता करना बंद नहीं करा, मैंने रिश्तेदारी छोड़ना बंद नहीं करा, मैंने मूर्ति पूजकों के पास जाना बंद नहीं करा, अविश्वासियों का कहना सुनना बंद नहीं करा, मैंने अपने को बड़े दीनता नम्रता से उसके बलत हाथों के नीचे आने नहीं दिया। मैं इधर उधर भटकता रहा, इधर उधर मांगता रहा, इधर उधर चाहता रहा, इधर उधर मन लगाता रहा, और अब मैं दोष दे रहा हूं वचन को। होश में आओ कलीसिया, ये समय जैसे कलीसिया के बच्चे देख रहे हैं, ये समय आने वाला भयानक संकट का है। संसार
परमेश्वर की दृष्टि में घमंडी कौन है जो वचन को सुनकर अनसुना करते हैं। आज तुम्हारे घर परिवार ने वचन को सुनकर अनसुना करा। प्रभु भोज के कटोरे से पी रहे हैं लेकिन दुष्टात्माओं के कटोरे से भी पी रहे हैं। अरे विनमी चर्च समझौते कर रहे हैं। फंदा क्या है? घमंडी क्या फंदा लगाएगा? क्या लगाएगा सुरेश फंदा? उलझनों में नहीं, ध्यान से सुनो, उलझनों में नहीं डालेगा। शैतान उलझाता नहीं है, शैतान उलझाता नहीं है। बहकावे में मत रहना, शैतान छलावे में युक्तियों के द्वारा अपने फंदे में बुलाता है। मृत कृष्णा जो है नहीं वो दिखाएगा। प्रलोभन, लालच, स्वार्थ, ऊंचा पद, धन, जो परमेश्वर और परमेश्वर के राज्य के विरोध में बातें हैं, धन पर मन लगाना, ऊंचे पद पर मन लगाना, हक मुझे मिलना चाहिए। आज परिवार पता क्यों टूट रहे हैं? मैं इसके खिलाफ नहीं हूं। परमेश्वर ने नर और नारी को एक समान बनाया है, लेकिन आज औरतें बिगड़ रही हैं। हमारा हक, मेरा भी समय, मेरा भी समय। आदमी लोग, अब मेरा समय है मित्रों के साथ शाम को। आज हमारे बच्चे बैठे हुए हैं, नाम नहीं लूंगा मैं, क्योंकि बार बार खत्म हुआ तो सबसे पहले अपने घर में पाए जाते हैं। परमेश्वर तुम्हें उसका असर देगा, परमेश्वर तुम्हें उसका प्रतिफल देगा, क्योंकि तुम विश्वास योग्य हो। काम निपटा कर अपने घर में पाए जाते हैं। संसारिक मित्रों के साथ बैठ के गोष्ठी नहीं करते, लेकिन अपने जीवन साथी के साथ बैठ के प्रार्थना करते हैं, प्रभु तू बता तू हमारे लिए क्या योजना रखती है, हमारे घर परिवार के लिए क्या योजना रखती है। रिश्ता ही नहीं है पत्नी के साथ, पति के साथ। आज होश में आओ, होश में आओ। फंदा पता है क्या है? फंदा क्या होता है? फंदा अपनी तरफ खींचता है। देखो कौन सा प्रलोभन तुम्हें खींच रहा है, किस बात में तुम अपने को यीशु को बड़ा कर रहे हो, किस चाहत में, किस आदत में, किस लत में। मैं पादरियों को भी प्रचार करता हूं, किस लत में, किस आदत में, किस चाहत में, किस ओहदे में तुम यीशु से अपने को बड़ा कर रहे हो। वो फंदा है घमंडियों का। शैतान तुम्हारे अंदर घमंड लाता है, नहीं हम तो घमंडी है ही नहीं, मेरे जैसा तो दीन मनुष्य कोई है ही नहीं। जानते हो परमेश्वर की दृष्टि में घमंडी कौन है? अभी बताया था मैंने, जो वचन को सुनकर अनसुना करता है, अपने मन की करता है। पति समझा रहा है, पत्नी समझा रही है, ये वचन के अनुसार है। दास चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था, होश में आओ, बेटियां दर्शन देख रही है, मेरी बहनें दर्शन देख रही है, मेरे भाई दर्शन देख रहे हैं कि संकट और कलेश का समय है। जो अपने जीवन को दुरुस्त नहीं करेगा, जो सच्चाई खराई से प्रेम नहीं रखेगा, जो अपने को पवित्र नहीं करेगा, वो अशुद्ध लोगों के साथ गिरा दिया जाएगा। नहीं, फंदे में फंस गए, फंदे में फंस गए, फंदे में घूमना पसंद है, भाग टहलना पसंद है। क्या हो रहा है घर का? बैरागी होके घूमोगे, सूनापन आ जाएगा घर में। ध्यान से सुनो, निकल पड़ा बस घर से, ऐसे नहीं निकलना। दुष्टात्मा निकाली एक घर से मैंने, निकल पड़ा, अच्छा लगता था, निकल पड़ा, पता ही नहीं क्यों निकल पड़ा, लेकिन निकल पड़ा। पता कौन दौड़ाता है? दुष्टात्मा है, दुष्टात्मा है। वहां चलेंगे बैठने के लिए, वहां चलेंगे। मैं ये नहीं कह रहा घर में पड़े रहो, काम करो, काम करो। नहीं, काम खत्म होते ही कहां जाना है, क्यों जाना है, क्यों जाना है? समय है अपने घर की यरूशलेम को बनाओ, शहरपना को बनाओ। ये मत बोलो कि मेरा घर दुरुस्त है, जिसके अंदर घमंड है कि मेरा घर दुरुस्त है, क्या होगा बेटा? उसका घर ही सबसे पहले गिराया जाएगा। और गिराएगा यीशु नहीं, कौन गिराएगा? जिसको हम अधिकार सौंप देंगे। और वो कौन है? शैतान। क्यों बच्चे भटक रहे हैं? क्यों वे विचार में नशे में जा रहे हैं? अरे तुमने जैसे जीवन जी लिया, होश में आओ,
होश में आओ औरतों, होश में आओ भाइयों। आज बहेलिया क्या कर रहा है, बहेलिया जानते हो, जब वो पक्षियों को पकड़ता है या बंदर पकड़ने वाला पकड़ता है, बंदर पकड़ने वाले को देखा है, वो क्या करता है, टीन के डब्बे में वैसे इतना सा छेद करता है, मूंगफली डाल देता है और बंदर उसमें जाता मूंगफली कर, मूंगफली को नहीं छोड़ता है क्योंकि उसकी खुशबू आ रही है, उसके हाथ से टीन का डब्बा नहीं निकलता, शिकारी जाके झपट के उसको पकड़ लेता है। चिड़ियों के जाल में क्या डालता है, अंडा डालता है। आज शैतान जानता है तुम किसके लिए खो रहे हो, भटक रहे हो, यीशु के पास नहीं आ रहे, बाप जा रहा है इधर उधर पैसे के लिए, शैतान भी देख रहा है, क्योंकि कैसे भैया शैतान कैसे देख रहा है, दोस्तों के साथ अपने जीवन की बातें शेयर करते हो, करते हो अन्य जातियों के साथ, करते हो या नहीं करते, तो कौन है वो लोग, बुरा लगेगा सुनने में, क्या वो तुम्हारा बाप क्यों ना हो, क्या तुम्हारी माँ क्यों ना हो, किसके चलाए चल रहे हो, तो कौन सुन रहा है, तुम्हारा दोस्त नहीं सुन रहा, जिस दुष्ट आत्मा के चलाए चल रहे वो सुन रहा है, फिर वो तुम्हारे सामने जाल लेकर आएगा, आशीष आकर्षित करेगा, ये ले नौकरी, ये ले धन ले ले, ये तू रिश्ता ढूंढ रहा था, अरे मेरी बेटी के लिए अच्छा रिश्ता मिल जाए, प्रभु के पास नहीं जाना, नौकरी मिल जाए, आए धन मिल जाए, ये योजना हो जाए, ऐसा हो जाए, प्रभु के पास नहीं जाना, अपने रिश्तेदारों को बताना, दोस्तों को बताना, तो कौन सुनेगा, कौन सुनेगा भाई, सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं, होश में आओ अगर तुमने ये जीवन जिया है, दौड़ के फोन लगे घंटों बात करने, जब तक मैं अपने भाई से बात ना कर लू कलेजे में ठंडक नहीं पड़ती, अपनी मां से बात ना कर लू, आप मेरे कौन है माता तुम्हारे, कौन है तुम्हारा पिता, कौन है भाई, कौन है तुम्हारी बहन, कितना समय प्रार्थना में, कितना समय प्रार्थना में व्यतीत करते हो, क्योंकि है दुष्ट जो तुम्हें फंदे में फंसाने के लिए तैयार है, मैं नहीं बोल रहा, ये वचन मैंने नहीं दिया, अब मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, परमेश्वर आत्मा में ऐसे भरे हुए बच्चों को भेज रहा है जिनसे परमेश्वर बोलो और बातचीत कर रहा है, यही मेरी बहनें बोल रही है, आज हम क्यों बेटा इस वचन को ले, क्यों बार बार प्रभु, क्योंकि प्रभु की तुम्हारे से एक बहुत बड़ी योजना है, बहुत बड़ी योजना है, आज तू अपने को पवित्र रख, कल परमेश्वर की महिमा करने जा रहा है, आज आज टुडे इज द डे ऑफ सल्वेशन, आज तू छुटकारा मांग, आज तू मन फिरा, परमेश्वर का राज्य निकट, मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराना क्या है, मन फिराना अपनी गलतियों का अंगीकार करना है, ये नहीं कि प्रभु मैं छोड़ रहा हूं, अरे तुम नहीं छोड़ सकते अपने रिश्तेदारी, तुम नहीं छोड़ सकते अपने मित्रों को, छोड़ नहीं सकते अपनी आदतों को, लतों को, मुझसे पूछो, जब तक मैं टूट के खुदनों पे नहीं आया, मैंने यीशु से प्रार्थना नहीं करी, प्रभु मैं नहीं अलग हो पा रहा इस रिश्ते से, मैं नहीं अलग हो पा रहा अपने मैं से, मैं नहीं अलग हो पा रहा अपनी चाहत से, आज मैं तुझे मौका देता हूं, तू मुझे अलग कर, उसने सुनी और उसने अलग करा और अपनी महिमा के लिए करा, छोड़ना नहीं छोड़ सकते, नहीं छोड़ सकते मेरे बच्चों, ध्यान से सुन लो, मन फिराना का मतलब यह है अंगीकार करना कि यह आदत, यह चाहत, यह लत, यह प्रलोभन, यह लालच, यह मेरा व्यक्तित्व, यह मेरी पहचान मेरे से बड़ा हो गया है, अब मैं इससे अलग नहीं हो पा रहा हूं, लेकिन तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, मेरे लिए असंभव हो रहा है अलग होना, मेरे लिए मुश्किल हो रहा है असंभव होना, I'm talking to you, मैं किसी से बात कर रहा हूं अभी, होने दो कायल अपने को, प्रभु तुम्हारे दिमागों को दिखा रहा है, मत शैतान को खेलने दो, बोलो यीशु के नाम से मेरे बुद्धि विवेक पे कब्जा कर, मेरी सहायता कर प्रभु, अगर आज मैं देख पा रहा हूं मैं किन बातों से अलग नहीं हो पा रहा, मेरी सहायता कर प्रभु, और मैं तुझसे कहता हूं तू इन सब बातों से जो मुझे प्रभावित कर रही है, जो मुझे फंदे की ओर लेकर जा रही है, संसार के आकर्षण प्रलोभन की ओर लेकर जा रही है, उन फंदे से मुझे बचा,
समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैं दौड़ा चला जा रहा हूं। मुझे दौड़ने से रोक, मुझे ठहरने का अनुग्रह दे, और मुझे सबसे इंपॉर्टेंट बात, मुझे अपने हाथों के नीचे आने का अनुग्रह दे। और परमेश्वर आई अलाउ यू टू डील मी, मैं तुझे स्वागत करता हूं अपने जीवन में, मैं तुझे मौका देता हूं कि तू मुझे बदल, अपनी पहचान अपने अनुग्रह में बदल, यीशु मेरी सहायता कर। मेरे बच्चों, आज संसार तो गिराने पर है, आज शैतान तोड़ने पर है, उसके बहकावे में मत आओ। मैंने एक बार आपसे पूछा था एक प्रश्न, क्या अपने बच्चों को ब्रॉथल को क्या बोलते हैं हिंदी में, ब्रॉथल दैट वुड बी वेयर गलत काम होते हैं, क्या बोलते हैं, कोठे पे जाने दोगे अपने बच्चों को, हाँ, व्यभिचारी स्त्री व्यभिचारी पुरुष के साथ खड़े होने दोगे, कैसा रूह कांप जाती है ना, दारू के अड्डे पे जाने दोगे अपने बच्चों को, जो शराबी है, जो नशा करता है, मेन लाइनर जानते हो, जो सीधे इंजेक्शन लगाते हैं, उनके पास खड़े होने देगा भाई सुरेश, हाँ, कोठे पे जाने दोगे, ठेके पे जाने दोगे, नहीं जाने दोगे। लेकिन आज संसार जो बिना प्रभु के है वो क्या है, व्यभिचारी है। और जानते हो किसको बोला उसने, यरूशलेम को बोला, हे व्यभिचारिणी स्त्री, क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करा, वचन को सुनते मानते हुए भी वचन पर नहीं चले। सही बोल रहा हो या झूठ बोल रहा हो? पुराने नबी रसूलों ने भी बोला और यीशु ने भी बोला। आज हम वो यरूशलेम नहीं है जो व्यभिचारी बन गया है, हम वो यरूशलेम है जो पवित्र आत्मा का धाम है। हालेलुया। तो हम वो यरूशलेम है जो पवित्र आत्मा का मंदिर है, हम वो यरूशलेम नहीं है जो व्यभिचारी है, हम वो यरूशलेम नहीं है जिसके बारे में इफिसियों में पॉलस बोलता है, हम मतवाले नहीं है, हम मतवाले अपने गरूर में, अपने खमंड में, अपनी इच्छाओं में, अपने दुख में, दुख में भी इंसान मतवाला हो जाता है। मेरे बाप ने ऐसा करा था, बाप को करके दिखाऊंगा, मैं बोलूं मेरी माँ ने ऐसा करा था, मैं प्रतिशोध में, मैं दुख में, मैं खाव में मतवाला जाता हूं। मैं प्रभु के वचन की ओर नहीं देखना चाह रहा, प्रभु के वचन की ओर नहीं सुनने जा रहा। God is healing someone's wound right now. परमेश्वर किसी के जख्म को हरा कर रहा है, चंगा कर रहा है। बोले दो, बोलो प्रभु मेरे जख्म को जो मेरे बाप दादा से चला रहा है तो उसको चंगा कर। मैं उस समय भी अनाथ नहीं था, मैं उस समय भी ठुकराया हुआ नहीं था, और अभी भी ठुकराया हुआ नहीं हूं, क्योंकि सेना का यहोवा मेरे संग है। और मांगो अपने, नहीं, आज इस बात को जान और समझो, जो कुछ हुआ तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, तुम्हें बनाने के लिए हुआ, कि प्रभु अपने अनुग्रह को तुम्हें दिखाना चाहता था। चाहे कितनी बड़ी दुर्घटना तुम्हारे साथ हुई, चाहे कितना बड़ा दुख तुम्हारे जीवन में आया, कितना बड़ा कलेश तुम्हें आया, मृत्यु तक आ गई, छिनभिन कर दिया, तोड़ दिया, अच्छा हुआ हुआ, क्योंकि परमेश्वर तुम्हें टूटने नहीं, अपने पे भरोसा करना सिखा रहा है। लोग तुम्हारे विरोध में हो गए, अपने तुम्हारे विरोध में हो गए, तुम्हारे बारे में गलत गलत बात बोलने लगे, लाछन लगाने लगे, अच्छा हुआ प्रभु, तो एक बहुत बड़ी महिमा खड़ी करने जा रहा है। ये शायद मैं लिखा ना, मैं बार बार इस वचन को बोलता हूँ, ये जब मैं प्रभु में आ रहा था, मैंने कहा प्रभु जो मेरा सब कुछ है, मैंने ऐसे ही प्रभु को बोला, जो मेरे इंस्पायरेशन है, मेरे ड्रीम्स है, वो तो सारे जल के खाक हो जाएंगे जो तुम्हें से मांग रहा है, दाम चुकाने के लिए कह रहा है। What I've been desiring, what I've been planning over the years, वो तो जल के खाक हो जाएंगे। परमेश्वर मुस्कुराया, यही तो मेरी महिमा शुरू होगी, क्योंकि मैं राख से अपनी महिमा लेना जानता हूँ। Let your inspirations, let your dreams be burned before the Lord. आज जलने दो दुखों को, निराशाओं को, तकलीफों को, जो संकट को, कलेश को, जो जलने दो,
न कामयाबी आपको, असफलता को चलने दो। इससे अच्छा है कि तुम दुष्ट आत्माओं के बंधन में पड़ो, लेकिन अपनी अभिलाषाओं, लालसाओं, अपनी चिंताओं, अपने दुखों को, अपने चाहतों को, अपने घावों को जलने दो। आज जलने दो, जलने दो उनको, जलने दो, मत फंसो भैये के जाल में। अरे माने साथ नहीं दिया, चल मैं तेरा साथ नहीं दिया। कोई साथ नहीं देगा, वो तुम्हारा इस्तेमाल करके तुम्हें सीख देंगे और तुम्हें किसी लायक नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारे पास नहीं। अरे तेरा पति तुझे नहीं पूछता है, चल मैं वो शैतान का काम है पुचकार देने का। मैं बताता हूँ यहाँ पर, चल मैं तेरे को बताता हूँ। ओ ले जाके पता कहाँ छोड़ देगा वो, रेगिस्तान में, जहाँ पर तुम नाश हो जाओगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर रेगिस्तान में नहीं, हरी हरी चराइयों में लेकर जाने वाला है, शुद्धाई जल के झरने के पास लेकर जाने वाला है। चाहे मैं वादी से होकर क्यों ना गुजरूं, तो आई वॉक टू द वैली ऑफ द शैडो ऑफ डेथ, आई शैल नॉट फियर। आमेन। आई शैल नॉट फियर, क्योंकि उसके सोटे और लाठी से मुझे क्या मिलती है? आमेन। व्हाट इज हिज रॉड एंड स्टाफ, His word and his commandments. क्या है उसका सोटा लाठी, उसका वचन और उसकी आज्ञाएं, इनसे मुझे शांति मिलती है। बोलो आप, अगर कोई प्रलोभन आएगा, अगर अब कोई चाहत आएगी, आदत आएगी, अगर मेरा कोई घाव उछलेगा, मैं उन पर मन नहीं लगाऊंगा। नकारा है, टुकराया है, गिराया है, पीसा है, अच्छा हुआ, अच्छा हुआ अपनों ने छोड़ दिया, अच्छा है। जन्माने वाली माता ने छोड़ दिया, अच्छा है। जिस पिता ने हाथ पकड़ के चलाना था, छोड़ दिया, अच्छा है। कौन है जो ये बोल सकता है? परमेश्वर तुम्हें बहुतों का माता और पिता बनाने जा रहा है। ने प्यार नहीं दिया, अच्छा है, क्योंकि एक है जो तुम्हें बेबयान प्यार देने जा रहा है और अपने प्यार में लेकर चलने जा रहा है। अच्छा है अगर किसी ने तुम्हारा धन चुरा लिया, क्योंकि अब तुम्हारा धन स्वर्ग से आ रहा है। अच्छा है किसी ने तुम्हारी नौकरी खा ली, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारी नौकरी साइन हो गई है, और जिसने वो साइन करी है अब उसको कोई मिटा नहीं सकता है। I declare and decree the mighty name of Jesus. The deeds, what God makes, no one can delete in the mighty name of Jesus. Hallelujah. जो प्रभु तुम्हारे लिए लिख रहा है, ध्यान से सुनो, जो प्रभु तुम्हारे लिए लिख रहा है उसे कोई नहीं मिटा सकता, कोई नहीं हटा सकता। But are you ready to confess everything? आज मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाह रहा हूं, क्या तुम तैयार हो मानने के लिए? ये बोलना छोड़ दो, यीशु को ये सुनाना, बोल प्रार्थना में ये सुनाना, यीशु तू ये है, यीशु तू वो है, यीशु जो है वो है, क्योंकि उसने डिक्लेयर कर दिया था। What he said to Moses, I am who I am. Don't have to tell anyone. Just go and tell everyone, I am who I am. जो मैं हूँ वो। See, most of the time we don't get because we keep on, you know, saying that God, you are this, God, you are that. कितना महान है तू यीशु, कितना बड़ा है तू यीशु, हैं? सुन रही हो तो? तुम्हारे घर में ब्रेकथ्रू क्यों नहीं आ रहा है? Who needs the breakthrough? किसको चाहिए ब्रेक थ्रू अपने जीवन में? है भाई, किसको चाहिए? बोलो हमें चाहिए। Who wants to break the shackles? Who wants to break the bondages? Who wants to remove every snare and trap of Satan from their life and from their household? Well, here I am, Lord. मैं यहाँ हूँ। आज मैं करना चाहता हूँ। You know, we are going to enter the most beautiful month of the year. दिसंबर इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, जहां पर प्रेम ने सब कुछ जीत लिया। वी आर गोइंग टू एंटर द नेक्स्ट वीक इज द मोस्ट ब्यूटीफुल मंथ, है ना, एक तारीख और पहला दिन संडे, सबसे सुंदर महीने में हम एंटर करने जा रहे हैं। आज प्रभु तुमसे एक समर्पण चाह रहा है, करने को तैयार हो मेरे बच्चों? ये दिसंबर महीना बहुत बड़ी आशीष और महिमा लेकर आया।
पंडित पोंगा नहीं हो, कोई ज्योतिष नहीं हो, बोल दिया, लेकिन तुम्हें भी कुछ करना है। क्या करना है? ये मत बोलो यीशु तू कितना महान है, यीशु ये करता, तूने ये करा, ये बोलो यीशु मैं ऐसा हूं, मेरे अंदर ये कमजोरी है। डॉक्टर को जब तक मर्ज ना बताओ तब तक उसका मर्ज नहीं लेगा, है ना। बीमारी ना बताओ उसका इलाज बता देगा? बोल, नहीं बताएगा। बताओ बताओ क्या हो, छुपाओ मत। अब तक मैं छुपाता रहा लेकिन अब नहीं छुपाऊंगा, क्योंकि मैं क्या चाहता हूं, अपने जीवन में आशीषों को चाहता हूं। ये मत बोलो मेरा पति ऐसा है, ये मत बोलो मेरी पत्नी ऐसी है, मेरे बच्चे ऐसे हैं। प्रभु मेरे को लगा था इन बातों से, मेरे को चाहत थी ये करने में, मेरे को मजा आता था, मुझे क्यों मैं जाल में फंस जाता था। मेरी आशीषें किसी ने नहीं रोकी, मैंने खुद अपनी आशीषों को रोका। मेरे घर का छुटकारा, मेरी शादी में छुटकारा, मेरी शादी के श्रापों को, मेरे घर के श्रापों को किसी ने नहीं रोका, मैंने रोका, क्योंकि मेरे रिश्ते आशीषित इसलिए नहीं होने पाए क्योंकि मैंने उन रिश्तों पे मन लगा के रखा जो रिश्ते तेरी तरफ से नहीं थे। सुनते हुए भी मैंने अनसुना करा, मेरी शादी क्यों नहीं आशीषित हो पाई? Why my marriage was not fruitful? Why my marriage was not blessed? Why my relationship with my children was not blessed? क्यों नहीं हो पाए? यीशु की कमजोरी नहीं है, कमजोरी तुम्हारी है। जहां पर यीशु ने मना करा वहीं पे जाते रहे, जहां पर यीशु ने मना करना नहीं उठना बैठना वहीं पे बैठते रहे। तूने थर थर और थो पारा, किसकी थैली में छेद है, किसकी थैली में छेद है? परमेश्वर आज उसको सिलने जा रहा है। What is going to bless you abundantly? देखो, मैं कभी नहीं बोलता धन की आशीष किसी के ऊपर, लेकिन God is showing me right now. I'm going to bless this church financially. बोलो हाँ आमीन में लेते हैं। लेकिन किसकी थैली में? आज अपना धन व्यर्थ की बातों में मत खर्च करो, मत खर्च करो, इधर उधर की बातों में मत लगाओ। अपने धन को देखो कहां पर होना है। किसी को प्लीज करने के लिए मत लगाना, पार्टीज में मत उड़ाना, इधर उधर मत उड़ाना, अपने धन को बोना सीखो। परमेश्वर उसको मल्टीप्लाई करने जा रहा है। सबसे पहले किसका ध्यान रखना है? प्रभु के भवन का। फिर दूसरा ध्यान किसका करना है? अपने घर का। हालेलुया। जो जीवन साथी दिया है उसकी जरूरतों को पूरा करो, जो परिवार दिया है उसकी जरूरतों को पूरा करो, अपने धन को सही रीति से बोना शुरू कर दो, और एक धन अलग करो, अलग करो। अभी प्रभु मुझे कह रहा है ना चर्च को देना ना घर में लगाना, उसको अलग करो, अलग करके रखो। परमेश्वर उस धन को महिमा में बदलने जा रहा है, उस धन को महिमा में बदलने जा रहा है। और जिसको पूछना है वो अकेले में मैं इंडिविजुअली बताऊंगा तुमको उस धन का क्या करना है। मुझे नहीं देना, मैं नहीं मांगूंगा, सबके सामने बोल रहा हूं, मैं नहीं मांगूंगा, चर्च को नहीं देना, लेकिन वो परमेश्वर तुम्हारे धन को तुम्हारे लिए, तुम्हारे आने वाले परिवार के लिए, पीढ़ियों के लिए ब्लेस करने जा रहा है। एक हिस्सा कौन यहां से सेविंग करना शुरू करेगा? सेविंग करो, लेकिन ये मत बोलना परमेश्वर मैं बुरे समय के लिए सेव कर रहा हूं, ये मत बोलना कि मैं बुरे समय के लिए, बोलना परमेश्वर जो आने वाला कलेश आ रहा है तेरी महिमा के लिए सेव करने जा रहा हूं। आमें। 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 लेकिन सबसे पहला हिस्सा किसको देना है? सबसे पहला हिस्सा किसको देना है? दशमांश ला रहे कौन ला रहा है? ये मत बोलो इतना। आज प्रभु कह रहा है जो हर्ष से देगा हर्ष से बटोरेगा, मेरे लिए नहीं परमेश्वर के भवन के लिए। सबसे पहले किसके लिए लाना है? अपने घर के लिए कौन कौन निकालता है, अपने परिवार के लिए कौन कौन निकालता है? निकालो, लेकिन उसके बाद किसके लिए बचाना है? आने वाले समय के लिए। छूना नहीं उसको, बिल्कुल मत छूना, बिल्कुल मत छूना। आयुर्वेद में, आयुर्वेद में परमेश्वर तुम्हें ब्लेस करने जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर तुम्हें धीरज में लेकर चलने जा रहा है। हालेलुया। कौन है धीरज में चलने के लिए तैयार? कौन है धीरज में? कौन है धन्यवाद? धीरज का सबसे बड़ा गुण पता है क्या? धन्यवाद। बोलो प्रभु आज अगर मैं जीवित हूं तो तेरे अनुग्रह की वजह से जीवित। यूसुफ की तरह बोलो, शैतान ने तो ठान ली थी कि मेरे देह प्राण आत्मा की हानि हो, लेकिन जो शैतान ने मेरी हानि की ठानी थी
तूने उसको भलाई में बदल दिया। यूसुफ ने सच्चाई खराई से समझौता नहीं करा, उसने पवित्रता से समझौता नहीं करा। कौन है जो सच्चाई खराई से चलने के लिए तैयार है, कौन है जो पवित्रता से चलने के लिए तैयार है? और ध्यान से सुनो, और एक आखिरी बात, क्रिसमस इज अ सीजन ऑफ रिसीविंग। जानते हो, एक बिब्लिकल पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं, बड़ा दिन परमेश्वर की आशीषों को लेने का समय है, परमेश्वर की आशीषों को लेने का समय है। जानते हो, क्रिसमस में हमारे लिए कौन दिया गया सबसे बड़ा गिफ्ट खिलाया? यीशु दिया है, अपने इकलौते पुत्र को दिया। जब उसने अपने इकलौते पुत्र को रखना छोड़ा, वो सब कुछ क्यों ना देगा? I'm telling you in spirit, I'm telling you in supernatural, this coming month is a month of receiving। मेरे बच्चों, यीशु तुम्हें देने जा रहा है, यीशु तुम्हें देने जा रहा है। पिता ने अपने पुत्र को दिया, स्वर्ग का ललाड़ा हमारे लिए दिया गया, स्वर्ग कंगाल हो गया ताकि हम उसमें बने किए जाए। इट्स अ मंथ ऑफ रिसीविंग। लेकिन ध्यान से सुनो, समय कम है, 5 मिनट में इस बात को बताऊंगा। किसको मिलेगा? मत्ती 18 में बहुत सुंदर दृष्टांत है, जहाँ मेरा ख्याल है वो मत्ती 18:21 से शुरू होता है ना, वो जिसमें एक वो है, एक स्वामी है, उससे किसी ने उधार लिया है ना, 1,000 थोड़े उधार लिए। तो सुन लो, अभी बाद में घर जाके पढ़ लेना उसको, इतनी तो बाइबल आती है मुझे, शायद मत्ती 18 ही है वो, पढ़ सुनो ध्यान से। एक दास था, उसने अपने स्वामी से क्या लिए? उधार लिया। तो उधार चुका नहीं पा रहा था, तो स्वामी ने उसको बुलाया, भाई मेरा उधार दे। उसने नहीं दे सकता, तो उसको कहा इसको बंदी गृह में डाल दो, उसको कोड़े मार दो, उसको ये कर दो। वो गिड़गिड़ाने लगा, इसके बच्चों को पकड़ लो, ये कर लो। वो गिड़गिड़ाने लगा, मुझे माफ कर दे, मैं दे दूंगा, मैं दे दूंगा। इतना गिड़गिड़ाया उसने, इतना पश्चाताप करा, अपनी गलतियों को इतना माना कि स्वामी ने उसको क्या कर दिया? स्वामी ने क्या करा? ना केवल माफ कर दिया, उसका सारा उद्धार भी माफ कर दिया। ऐसे लिखा ना, और ये कौन सुना रहा है? मैंने सुना रहा, यीशु सुना रहा है। और फिर जब वो दास बाहर निकला, तो उसके एक दासों में एक दास था जिसने उसके 100 दिनार ले रखे थे। उसने उसको देखकर उस पर चौड़ा हो गया, कह रहा तूने माफ नहीं करा, मैं तेरा माफ नहीं करूंगा, मैं तेरे मेरे दे 100 दिनार, मेरा 100 दिनार दे। उसके पीछे पड़े, कह रहा मेरे पास नहीं है। उस दास ने माफी मांगी, उससे जिसको माफ किया गया था उससे माफी मांगी, लेकिन उसने माफ नहीं करा, उसको जाके किसमें डाल दिया। अब जब स्वामी को पता चला कि जिस दास को उसने माफ करा था, जिस दास को उसने माफ करा था, उसने माफ नहीं करा, उसने उसको क्या करा? अपने दास को दोष लगाया, दंड कर, तो उसने उसको पकड़ के दोबारा क्या कर दिया? बंदी गृह में डाल दिया। जानते तुम्हें पिता का सबसे बड़ा उपहार क्यों मिला है? ध्यान से सुनो, बिना तुम्हारी कुर्बी, बिना किसी लियाकत के, तुम्हारे बिना किसी अच्छाई के तुम्हें उपहार क्यों मिला है? ताकि जैसे पिता ने हमारे पापों को, धर्मों को क्षमा करा अपने पुत्र के द्वारा, हम भी दूसरों को माफ कर सकें। हालेलुया। इस महीने कौन माफ करने जा रहा है? अपने माता को, अपने पिता को, अपने पति को, अपने पत्नी को, समय को, हालातों को, परिस्थितियों को, अपने जीवन साथी को, किसी ने भी तुम्हें दुख पहुंचाया है, कौन माफ करने जा रहा है? वो पाने जा रहा है। ऐसे नहीं मिलेगा, जो माफ करेगा उसे क्षमादान मिलेगा, है ना? प्रभु मत्ती 6, जैसे मैंने अपने अपराधों को क्षमा करा है, मेरे अपराधों को क्षमा करा। जिस नाप में तुम तोलते हो, सुन रहे हो, मेरी पत्नी, मेरी बहन ऐसी, मेरी बहन नहीं, बच्चे हो, जब तक मैं तुम पर दया नहीं कर दिखाऊंगा, कृपा नहीं दिखाऊंगा, क्या मेरे पे कृपा किए जाए? धन्य है जो दया करते हो तुम पर दया। और सबसे बड़ी दया क्या हुई है? यीशु अपने आप ही मेरे धर्मों और पापों को लेकर मर गया। See, this month is going to be a blessed month. God is telling you. और वो किनके लिए होगा? जो आत्मा में चलेंगे, जो आत्मा में चलेंगे और आत्मा के चलाए चलेंगे। आत्मा में चलना जीवन है, जीवन वचन है,
जो वचन और वचन के अनुसार चलेंगे वो आशीष पाने जा रहे हैं, जो शरीर में चलेंगे शरीर में खत्म होने जा रहे हैं, पीड़ा आने जा रही है, दुख आने जा रहा है, बीमारी आने जा रही है, तकलीफ आने जा रही है। कौन है जो आशीष चाहता है? बोलो मैं। पिता ने पुत्र के द्वारा माफ किया, पिता ने पुत्र को, इसको हल्के में मत लेना जो मैंने अभी स्टोरी सुनाई है, मत्ती 18 मैंने जैसे बोला ऐसे लिखा है ना, जैसे मैंने बोला ऐसे लिखा है ना, जैसे as I've spoken, God has said, यीशु ने ऐसे बोला। पिता ने पुत्र के द्वारा माफ कर दिया तुम्हें, कर दिया है, तो अब कौन माफ करेगा? उसको माफ करो जिसने सबसे ज्यादा पहुंचा। और देखो, फॉरगिवनेस ब्रिंग्स स्पिरिचुअल हीलिंग। व्हेन यू फॉरगिव समवन, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, जब तुम किसे माफ करते हो सबसे पहले तुम्हारे जीवन में पता क्या लेकर आता है? आत्मिक चंगाई। ये जो रूठना है ना, ये दिल कड़वा हो गया, कठोर हो गया है, ये भावनाएं खत्म हो गई है, ये दोबारा आना शुरू हो जाती है। और सबसे पहले क्या आता है? निर्जल भूमि में प्रेम जल आता है। और उसके बाद क्या होता है? प्रेम जल जब आता है, then we become considerate towards others। जब हम मतलब हम लोग क्या करते थे, मैं रोटी बना रही हूँ, मैं स्त्री हूँ, जैसे खड़ी हूँ रोटी बना रही हूँ तो ऐसी बनाती, लेकिन मैं प्यार से बनाऊंगी। सेवा भाव, सेवा भाव। नौकरी पे जाएगा बेटा, बिजनेस पे जाएगा, एहसान जता के नहीं जाएगा, सेवा भाव से जाएगा। प्रभु तूने धन्यवाद हो कि तूने मुझे नौकरी दी है, प्रभु तूने मुझे बिजनेस दिया है, प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि तूने मुझे सक्षम बनाया है कि अब अपने घर परिवार को रोटी खिला सकूं। हालेलुया, सेवा भाव आ जाएगी, सेवा भाव। और यीशु में आना सेवा करना है, यीशु में आना दिखावा नहीं है, जताना नहीं है। मेरा पति समझता ही नहीं है, अच्छा हुआ नहीं समझता, ताकि तू मेरे पति पे भरोसा ना करे। मेरी पत्नी के अंदर भावना ही खत्म हो गई है, अच्छा है, अच्छा है, तेरी पत्नी के अंदर भावनाएं खत्म हो गई, प्यार खत्म हो गए, जा मसीह के पास, और तुझे अधिकार दिया है, तू उस प्यार से भर और उसके अंदर वो प्यार जगा, तू दया से भर, जा अपने बच्चों के अंदर दया। मेरे बच्चे सुनते नहीं है, प्रभु मुझे सुनने वाली आत्मा दे ताकि मैं अपने बच्चों को आज्ञाकारी बना सकूं। See, the problem doesn't lie outside, the problem lies within us. संकट कलेश बाहर नहीं, संकट कलेश तूफान मेरे अंदर है, और मैं उस परमेश्वर को जानता हूं जो हर तूफान को शांत कर सकता है, और उसका नाम क्या है? अपनी आंखों को बंद करो, यीशु को बोलो, बहुत बड़ा तूफान आने जा रहा है, बहुत बड़ा भूकंप आने जा रहा है, प्रभु तू मेरी रक्षा कर, मुझे धीरज दे कि मैं भेले के जाल में ना फंस गया, मैं घमंडियों के फंदे में ना आऊं, और सबसे पहले प्रभु मुझे अनुग्रह दे, मैं तुझे हल्के में ना लूं। प्रभु जब संसार में कोई कलेश आता है तो इंसान अपने घर की ओर भागता है, लेकिन मैं उन इंसानों पे किस तरह नहीं हूं जब कलेश आए तो घर की तरफ भाग, लेकिन कलेश आने से पहले मैं अपने घर की शैब बना यीशु में बनाते रहूं, और आज से मुझे ठहरने का अनुभव दे। आज मेरी कलीसिया में बच्चे हैं, मेरे बेटे हैं, तो धन्यवाद देता हूं, वो इधर उधर नहीं भटकते, अन्य जातियों खाली समय में, अन्य जातियों दुष्ट और जो मूर्ति पूजा के मित्रों के साथ समय नहीं बिताते हैं, वो वचन में, प्रार्थना में और प्रभु के चरणों में समय बिताते हैं। आज प्रभु देख रहा है, आज प्रभु देख रहा है कौन है वो घर, कौन है वो स्त्री जो अपना घर प्रभु में बना रही है। तेरी बेटी जवानी में इसलिए भाग रही है क्योंकि जब संकट आता था तू भाग जाती है। क्षमा मांग। तेरे बच्चे अभी डिप्रेशन में इसलिए हैं, दुख में और डर में इसलिए हैं क्योंकि तूने अपने जख्म अभी तक यीशु को नहीं दिए,
मेरे बच्चों ध्यान से सुनो, मेरे पिता ने अगर कुछ मुझे दिया उसको मैं रखे रहूं तो मेरे पास ही रहेगा ना, और मैं सालों दर साल उसको रखे रहूं, मैं अगर दुनिया छोड़ के चलेगा तो किसके पास रहेगा? मेरे बच्चों के पास रहेगा। क्या रख रहे हो? चॉइस इज योर्स, है ना? सही कह रहा हूं या नहीं? मेरा पिता अगर मुझे कुछ देकर जाता है उसको मैं रखे रहूं सजा के, तो मेरे संतानों के पास जाएगा। मैं चले जाऊंगा, मेरा पिता चले जाएगा, किसके पास जाएगा? तिप्ति अनाज विश्वासन आएगा के पास। What you are holding today? God is asking you, क्या पकड़ के रखा हुआ है? क्या दर्द, क्या जख्म, क्या गिला, क्या शिकवा, क्या निराशा, क्या हताशा, क्या रोना, क्या रिश्ता, क्या देना चाहते हो? एक है जो आ गया है और तुम्हें आशीष देना चाह रहा है। माफी मांगू आज मुद्दों पे आके, प्रभु मुझ पे तरस खा, मैंने उन चीजों को पकड़ के रखा हुआ है जो तेरी पहचान के विरोध में थी, मैंने उनको संगी वाली बना रखा है जो तेरे कभी फेल गए। मैं वो मेरा माता हो, मेरा पिता हो, मैं उन दोस्तों की सुनता हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए योजना उनसे बनवाता हूँ जो कभी तेरे थे ही नहीं, जो तेरे भवन में पाए जाते ही नहीं। मेरे को क्षमा कर, मैंने अगर ये काम करे। See this, after this month year is going to end and 2025 will begin, है ना? इस महीने के बाद 2024 खत्म हो जाएगा, पता ही चला पलक झपकते ही चले गया। मैं कल ही अपने बच्चों को कह रहा था, ऐसा लग रहा है अभी हम गोवा में थे जनवरी में और नवंबर आ गया, दिसंबर खत्म हो गया, पलक झपकते ही समय गुजर रहा है। देरी ना हो जाए, देरी ना हो जाए मेरे बच्चों। बहुत चीज है संसार के लिए, आज ही अगर तेरे प्राण ले लिए जाए, प्रभु के सामने क्या जवाब देगी? तूने बच्चों को क्या दिया? प्रभु के सामने क्या जवाब देगा? तूने अपने परिवार को क्या दिया? अरे उस बाप से पूछो, मैंने पिछली बार भी बोला था, जो बोलता है एक आहा मिल जाती तो बचा लेते। ये डॉक्टर मेरा फ्रेंड था, उसका बाप बोलता है आज भी, मैं मिलता हूं, एक सांस मिल जाती, एक सांस मिल जाती बेटा, अपने बेटे को बचा लेता। अभी भी तड़प रहा अपने बेटे के लिए। क्या दे रहे हो? What you are carrying? क्या माँ क्या होल्ड कर रखा तूने? मेरी माँ को पकड़ रखा मैंने। अरे उसके अंदर यजेबेल की दुष्टात्मा है, बुरा लगेगा। उसके अंदर डेलिरिया की स्पिरिट है जो तेरे बेटे और तेरी बेटियों को बिगाड़ रही है। मूर्ति पूजकों के अंदर यही दुष्टात्माएं होती है, कावे की, छल की, लोभ की, लालच की, ये दुष्टात्मा उसके अंदर। छोड़ दे जो तेरे बाप दादा उसे गढ़ों से चली आ रही है, कहां मन लगा रखा है? अरे अपने उस मित्र से, मेरी दोस्त है ना, मेरा पति तो समझता नहीं, मैं अपने दोस्त से बात कर लेती हूँ, उससे बात कर लेता हूं। अरे कोई बात नहीं, सारे साल तो चर्च जाते ना, अपने दोस्त के साथ पार्टी में चले जाता हूँ। आज प्रभु देख रहा है, समय को मूल्यवान जानो। प्रभु कह रहा है समय को मूल्यवान जानो, समय को मूल्यवान जानो। आज अपने को दो, अपने विचारों को, अपने सोच को दो, अपनी कमजोरियों को, अपनी निराशाओं को, अपनी हताशाओं, अपनी गलतियों को, और बोलो यीशु को हमारी सहायता कर। आज हमने तेरे विरोध में गलतियां करी हैं, पाप करे, तू हमें संभाल, हमारी रक्षा कर, हमारी रक्षा कर, हम तेरे पास आ, हमें ग्रहण कर। मेरे बच्चों ये महीना आशीषों का महीना है, ये महीना प्रभु का महिमा महीना है।